आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष गीतांजी मौर्य को प्रदेश महामंत्री के द्वारा पद से हटा देने की झूठी खबर फैलाने की वजह से एसोसिएशन के अन्य कार्यकर्ताएं आक्रोशित थीं। शुक्रवार को संगीता आर्या के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में इकट्ठा हुई। इस अवसर पर भारी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संगीता आर्या ने कहा, संगीता आर्या है और हम आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की जिला संयुक्त मंत्री हैं और यहाँ पर हम लोग प्रदेश उपाध्यक्ष गीता पांडे और प्रदेश महामंत्री के खिलाफ हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न जाने किस मानसिकता से और किस व्यक्तिगत दुश्मनी के वजह से हमारी प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य को संगठन से निकालने की झूठी अफवाह फैलाई है और समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के तहत उन्होंने झूठी अफवाह फैलाकर हम सभी आंगनबाड़ी बहनों को गुमराह करने का प्रयास कर लिया। हम ये कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के समर्थन में हम उनके साथ खड़े हैं। वो उनके हर लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिला और जो इस लड़ाई के विरोध में आएगा, चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो चाहे प्रदेश महामंत्री हो, हम किसी का भी बर्दाश्त नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाएगा, झूठा इल्जाम लगाकर उनको केवल बदनाम करने का प्रयास कर रही है गीता पांडे और प्रदेश महामंत्री। इसीलिए उनके प्रदेश विरोध में आज हमने गीता पांडे का यहाँ पर पुतला फूंका है और उनके विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं।